नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझा या दोहरा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में, अपने स्कूल में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT के क्लास फर्स्ट के हिंदी विषय के पाठ बंदर गया खेत में भाग को लेकर आए हैं। आज हम नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आइडिया है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में समझेंगे। इस नवाचार से बच्चे कक्षा से बाहर जाकर स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ के रखा जाता है और बच्चे करके सीखते हैं, जिससे कि उनको लंबे समय तक वो चीज याद रहती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले शिक्षक कुछ जानवरों के चित्रों को लेकर क्लास में आते हैं और कुछ फलदार वृक्षों के चित्र भी लेकर आते हैं और फ्लैश कार्ड लेकर आते हैं, जिसमें कि एक जंगल का अंधेरे का चित्र बना हुआ है। इसके साथ ही क्लास में एंटर होते ही शिक्षक सबसे पहले सवाल करते हैं एक चित्र को दिखाते हुए कि ये बताइए ये किसका चित्र है। तो बच्चे जवाब देते, सर ये शेर है, आपने शेर देखा है? बच्चे जवाब देते बड़े सर, हाँ सर देखा है, जंगल में देखा है, टीवी में देखा है। इसके बाद बच्चों को एक और चित्र दिखाया जाता है तो बच्चे बताते हैं, सर ये तो बंदर है। हाँ सर मैंने बंदर को देखा है। तो शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि आपने कहां देखा है बंदर को? सर हम आज छत पे आ जाता है, जंगल में भी देखा है सर। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक और गतिविधि है इसी में ही, आप चाहें तो कक्षा में बंदर की आवाजें निकालते हुए या उछलते हुए क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि अभी मैं जो गतिविधि कर रहा था, जो उछल के आपके पास आया, जो मैंने आवाजें निकाली, वो किसकी आवाजें थी? तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ जवाब देते हैं, सर ये तो बंदर की आवाजें थी, आप बंदर की तरह उछल रहे थे। बच्चों को पाठ की तरफ ले जाने के लिए, पाठ के नाम की तरफ ले जाने के लिए अब शिक्षक उनसे सवाल करते हैं कि बताओ अगर हम बंदर के पास जाएंगे तो क्या होगा? सर बंदर भाग जाएगा। तो इसी प्रकार आज के हमारे पाठ का नाम है बंदर गया खेत में भाग। इसके अलावा अब बच्चों को जो हम चित्र लेकर आए थे उससे संबंधित एक कहानी सुनाएंगे और बच्चों से सवाल करेंगे। जो हम चित्र लेकर आए हैं, बच्चों को पहले वो चित्र दिखाते हैं सारे, और सारे चित्र दिखाने के बाद बच्चों से पूछते हैं कि ये कौन कौन से जानवर है। तो बच्चे जवाब देते हैं, सर शेर है, लोमड़ी है, गिलहरी है, बंदर है। अच्छा आप सबने इन जानवरों को देखा है? तो बच्चे कुछ अपने विवेक से जवाब देंगे, हाँ सर देखा है, नहीं देखा है, कुछ जानवरों को देखा है, कुछ जानवरों को नहीं देखा है। इसके साथ ही अब आप पूछते हैं कि ये कितने जानवर है? तो बच्चे जवाब देते हैं, सर चार जानवर है। अच्छा तो ये जानवर कहाँ रहते हैं? सर ये जंगल में भी रहते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये चिड़ियाघर में भी रहते हैं। इसके साथ ही और आगे इस कहानी को बढ़ाते हुए हम बच्चों को फलदार वृक्ष बताते हैं, और फलदार वृक्ष बताने के बाद बच्चों से पूछते हैं कि ये किसका वृक्ष है? तो बच्चे बताते हैं, सर ये आम का वृक्ष है और इसमें आम लगे हुए हैं। तो एक बच्चे खड़े होकर जवाब देते, सर इसमें जो आम लगे हैं बहुत मीठे होते हैं। तो शिक्षक उनसे सवाल करते हैं बच्चों से कि आपको भूख लगती है तो आप आम खाएंगे? तो बच्चे बोले, हाँ सर खाएंगे, हमें बहुत पसंद है। और जब जानवरों को भूख लगेगी तो वो क्या खाएंगे? सर वो फलदार वृक्षों के फल खाते हैं। बंदर फल खाएगा, सर आम खाएगा। इसी प्रकार हम बच्चों को जो फ्लैश कार्ड लेकर आए थे फिर हम वो दिखाते हैं, जिसमें कि जंगल का रात का चित्र बना हुआ है। रात के चित्र को दिखाने के बाद बच्चों से सवाल करते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है? तो बच्चे बताते हैं, सर जंगल दिख रहा है हमें, तो पेड़ पौधे दिख रहे हैं और इसमें रात दिख रही है। तो बच्चों से सवाल करते हैं कि रात को हम कहां रहते हैं, जंगल में या खेत में या घर में? तो बच्चे जवाब देते हैं, सर खेत में भी रहते हैं और हम घर पे भी रहते हैं, लेकिन जंगल में नहीं रहते। तो जानवर कहां रहते हैं? सर जंगल में रहते हैं। इस कहानी के साथ साथ बच्चों को जब हम पाठ के करीब लेकर आए हैं, पाठ को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप भी कराएंगे। वार्म अप कराने से बच्चों के अंदर स्फूर्ति आती है, व्यायाम करने से उनको तरोताजगी मिलती है।
और बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि वो गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। ध्यान रहे कि बच्चे जब गतिविधि में शामिल होते हैं तो वो उस चीज को उस गतिविधि के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों को इस गतिविधि में सबसे पहले खड़ा किया जाता है, खड़े करने के बाद शिक्षक स्वयं उस कविता को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसका अभिनय कर रहे हैं। जैसे शिक्षक ने कविता पढ़ी बंदर गया खेत में भाग, और इसको पढ़ने के बाद वो अभिनय करते हैं भागने का, बंदर दिखाएंगे और फिर भागने का अभिनय करेंगे। इस प्रकार से जब बच्चों को ऐसे अभिनय करके दिखाया जाता है तो बच्चे भी इसको दोहराते हैं, और बच्चे दोहराते हैं तो उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के जरिए इस पार्ट का नाम, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग, कक्षा एक से लिया गया था, इसको हम बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों के सामने गतिविधि के आधारित इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और बच्चे इसको आनंद के साथ इसको समझेंगे और पुनः अध्ययन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के रोचक वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।